dear students in this module we are going to discuss functions and dysfunctions of family institution from structural functionalist perspective functionalist perspective views family as the key institution in society that serves important functions for individuals and larger society so the key functions of the family according to these functionalists are socializing children providing emotional support एंड मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर इन सोसाइटी जब हम डिफरेंट परस्पेक्टिव से फैमिली uh, के इंस्टीट्यूशन को देखते हैं तो ख़ास तौर पर स्ट्रक्चरल फंक्शनस जो हैं वो चूँकि मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर को जो है अहमियत देते हैं और उनके ख्याल में सोसाइटी के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका मेजर फंक्शन जो होता है वो सोशल ऑर्डर को मेनटेन रखना होता है तो इसी तरह से फैमिली चूँकि सोसाइटी का एक बेसिक यूनिट होता है यहीं से जो इंडिविजुअल है उसकी तरबियत इस अंदाज़ से की जाती है कि वो माशरे का एक फंक्शनल या मुफीद शहरी बन सके तो फैमिली के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो उसके लिए आ, ना सिर्फ मुफीद साबित होते हैं बल्कि उसको सोसाइटी से भी इंडिविजुअल को कनेक्ट करते हैं डिसफंक्शन ऑफ फैमिली में इंक्लूड डाइवोर्स डोमेस्टिक वायलेंस दैट कैन हैव वेरी नेगेटिव इफेक्ट on not only on the institution of family but also on the society as a whole. तो जहाँ पे family institution के functions हैं वहीं पे उसके dysfunctions भी मौजूद हैं पाकिस्तानी society के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तानी society में family institution बहुत से positive functions perform करती है बच्चे की तरबियत से ले कर economic इकनॉमिक well वेलबींग से ले कर और उसकी इमोशनल सपोर्ट से ले कर जो उसकी ओवरऑल जो सोसाइटी के अंदर उसकी प्लेसमेंट होती है उस तक जो है फैमिली एक अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है लेकिन इसके साथ साथ जो फैमिली के डिसफंक्शन हैं जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस है फैमिली के अंदर जो आ, इंटर रिलेशनल कॉन्फ्लिक्स होते हैं उनकी वजह से और ख़ास तौर पर फैमिली के अंदर जो डाइवोर्स केसेस आ जाते हैं तो उनकी वजह से ओवरऑल जो डिसफंक्शनल या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बच्चों को बर्दाश्त करना पड़ते हैं इसके साथ साथ जो बाकी फैमिली के इंस्टीट्यूशन हैं उनके ऊपर भी इसका इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो आप महसूस कर सकते हैं मिसाल के तौर पे हम जब ये देखते हैं कि अगर फैमिली एज ए यूनट डिसंटीग्रेट होता है और जैसे ट्रेडिशनल फैमिलीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब मॉडर्न फैमिलीज़ के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुई तो इसके भी डायर कॉन्सिक्वेंस जो हैं वो बाकी इंस्टीट्यूशनस में मुरतब होना शुरू हुए मसल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ऊपर इसके असरात हम देख सकते हैं इसके साथ साथ हम एक्नॉमिक इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेडिशनल फैमिली यूनिट्स थे जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बड़ी स्पेसिफाइड थी मर्द की ज़िम्मेदारी जो थी वो बाहर घर से बाहर की थी और औरत की ज़िम्मेदारी जो है वो घरदारी की थी लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन के uh, की आइडियोलॉजी के तहत दोनों जो हैं मर्द और ख़वा उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो बच्चों की तरबियत की ज़िम्मेदारी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन के ऊपर शिफ्ट होती गई तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बड़ा मेजर शिफ्ट जो है वो मॉडर्नाइजेशन की आइडियोलॉजी के तहत फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर वाक़ होता है तो अगर स्ट्रक्चरल फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स जो हैं वो फैमिली इंस्टीट्यूशन के लिए चूँकि फंक्शनल थे इस वजह से उस कॉन्टेक्स के अंदर जस्टिफाइड थे लेकिन जैसे ही फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर आके अपनी शेप चेंज करता है तो ये जो मॉडर्न जेंडर रोल्स हैं ये इस कॉन्टेक्स के अंदर फंक्शनल बन जाते हैं हाँ देखने की चीज़ ये है कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल जब को uh, एग्जिस्टेंस होती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न जेंडर रोल्स की तो किस तरह से जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इन डिफरेंट को एग्जिस्टिंग जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस के साथ कॉप करते हैं सो दिस इज़ अ फूड फॉर थाट फॉर यू दैट यू नीड टू सी दैट फॉर एग्ज़ाम्पल इन अरबन फैमिलीज़ की जहाँ पर बहुत मेल एंड फीमेल और बहुत हसबेंड एंड वाइफ दे आर वर्किंग कपल वो किस तरह से अपने ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को परफॉर्म करते हैं और ट्रडिशनल एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं